इसका आयोजक मिनिस्ट्री भी है, इसमें इंडियन ओलंपिक भी है और फेडरेशन, हमारा जो इंडियन सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन है उसके माध्यम से हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। 25 राज्यों के 400 खिलाड़ी यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 50 ऑफिशियली अंपायर पार्टिसिपेट करने हैं, पूरे कुल मिला के हमारे पास में 450 से ऊपर खिलाड़ी और ऑफिशियल्स यहाँ उपस्थित होंगे। ये आयोजन 13 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। सॉफ्ट टेनिस से इसलिए जुड़ाव है कि सॉफ्ट टेनिस मध्य प्रदेश में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। सॉफ्ट टेनिस के लगभग अभी तक 10 विक्रम अवार्ड और कम से कम 8 एकलव्य अवार्ड और विश्वामित्र अवार्ड में स्वयं को मिला है। वो मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश खेल विभाग इन खिलाड़ियों को बहुत पुरस्कार दे रहा है और बहुत उनको अवार्ड मिलने पर गवर्नमेंट जॉब भी दे रहा है। बताइए आप कौन से खेल से आप जुड़े हुए हैं और क्या उपलब्धि जो है आप तीनों ने पाई? मेरा नाम आद्या तिवारी है और हम सॉफ्ट टेनिस गेम खेलते हैं और अभी रिसेंटली चाइना में एशियन गेम्स हुआ था तो हम तीनों उसमें रिप्रेजेंट करके आए हैं। क्या तीनों को क्या उपलब्धि हासिल हुई? वहाँ इंडिया फर्स्ट टाइम क्वार्टर फाइनल रीच किया, मेंस में और वुमेंस दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल रीच किया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा इंडिया का। इस अभी जो नेशनल यहाँ पर सॉफ्ट टेनिस की जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें भी आप लोग भी प्रतिभागी बनेंगे या आपकी और कुछ भूमिका? हम लोग खेलने वाले हैं ये नेशनल्स और लास्ट ईयर भी हम लोग ऑल ओवर चैंपियंस थे और इस साल टॉप सीड रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देवास जैसे छोटे से शहर में इस तरह के आयोजन होंगे तो आपको लगता है और नए खिलाड़ी तैयार होंगे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के? ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि देवास जैसे छोटे शहर में ही हो रहा है तो काफ़ी लोग बाहर से आएंगे, उनको ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे कोच हैं। एक बार और आपका नेम बता। आद्या तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।